पखांजूर क्षेत्र में कुल 133 बंगला भाषी हैं और जिनकी कुल आबादी 2 लाख से भी ज्यादा है। इन गांवों में रहने वाले लोगों का कहना है कि उनके बच्चे बंगला भाषी होने के कारण बंगला विषय की शिक्षा बच्चों को दी जाए ताकि बंगला भाषा का ज्ञान और बोली बिना भूलें। जब उन्हें पखांजूर क्षेत्र में बांग्लादेश से लाके बिठाया गया था तब सभी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 11 तक बंगला विषय का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता था। इसके बाद जब केंद्र सरकार ने समस्त सरकारी स्कूलों की राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिया था, सन 1984 से लेकर 1989 तक राज्य सरकार ने लगातार 5 साल तक बंगला शिक्षकों को नियुक्त किया था और उसके बाद से बंगला शिक्षकों का नियुक्ति बंद कर दी गई थी। यहाँ लगभग अभी पहले तो 133 गांव सेटलमेंट है और लगभग अभी 150 के ऊपर ही है। 100% बंगाली भाषी वहाँ निवास करते हैं। सभी गांव में स्कूल होंगे? सभी गांव में प्राइमरी से लेकर मिडिल और कुछ हाई हाई स्कूल भी है। ये दंडकंड अथॉरिटी के समय में 96 तक पढ़ाया गया, हैंडओवर हुआ राज्य सरकार को, 3-3 बार करके राज्य सरकार ने बंगला शिक्षक के नाम से लिया गया। 86 से लेकर 87, 89 2004 के बाद से ही जो है धीरे धीरे उनका पदोन्नति भी हुई और बहुत सारे टीचर का जो रिटायर्ड और एक्सपायर भी हुई है, उसके बाद से नई कई भर्ती भी नहीं हुई। तब से लेकर समाज मांग करते आ रहे हैं जो हमारा संस्कृति संस्कार को बना रहे और हमारे वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी में जो हमारा भाषा के संबंध जान सके। हम चाहते हैं जो हमारा पर्लकोट में प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक बंगला शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी जाए और हमारा मातृभाषा को बरकरार रहे।